हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चल रही हैं युवराज बैच की क्लासेस और हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज का लेक्चर नंबर 18 गाइस, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पहले हमने फ्यूचर इनडेफिनिट पढ़ रखा है, हमने फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ रखा है। फ्यूचर इनडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, और बाकी अगर आप बाकी के साथ देखते हैं तो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर पक्का इरादा हो तो भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं, भरे आई आए उसके साथ विल लगता है। जैसे मैं यह कर लूँगा, सो आई विल डू इट, ठीक है ना। सो हम ये कर लेंगे, वी विल डू इट। तो ऐसा है कि विल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, शेल की जगह पर भी आजकल विल लगता है, बस याद रखें आपको इरादा। ओके, मैंने गाना भी गाया था इरादा कर लिया इरादा। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, लेक्चर नंबर 18 को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। ओके, फ्यूचर परफेक्ट के टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हम पहचान की बात करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, है ना। जैसे अभी आपने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट क्या था, चुका है, चुकी है, चुके हैं। फिर आपने पास्ट परफेक्ट देखा था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और अब है फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, दिया होगा, दी होगी, ली होगी, की होगी, ई होगी, ए होगे, ए होगे, ऐसी चीजें आते हैं। लास्ट में गा, गी, गे जरूर होगा, और साथ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ए, ऐसे कुछ आपको दिखाई देंगे, है ना। चुका होगा, चुकी होगी, मतलब ये सारे के सारे हैं। अगर ये सारे के सारी चीजें एट द एंड आपको दिख रहे हैं किसी सेंटेंस के, हिंदी में कोई आपके सामने वाक्य दिया हुआ है, एट द एंड अगर आपको चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगे, लिया होगा, दी होगी, दी होंगे, लिए होंगे, दिए होंगे, खाए होंगे, पिए होंगे, जाते होंगे, है ना, यदि ये सब है, इसका मतलब क्या है, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं इसमें लगता क्या है। कुछ नहीं दोस्त है इसमें, केवल शैल की जगह शैल हैव और विल की जगह विल हैव, बस इतना काम है। शैल की जगह शैल हैव और विल की जगह विल हैव। तो देखिए सब्जेक्ट, अब भाई साहब शैल तो इन लोगों ने गायब कर दिया, पूरा विल पे ही काम चला रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या लिख दिया, विल हैव। क्या लिख दिया है, विल हैव, ठीक है ना। तो मैं तो फिर भी बोल रहा हूँ शैल हैव विल हैव दोनों काम चलाओ। तो अफर्मेटिव का जो कोडिंग है इसकी वो है सब्जेक्ट, ठीक है, शैल हैव या विल हैव। और आपको पता है परफेक्ट में कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं थर्ड फॉर्म को। खैर, तो ये थर्ड फॉर्म होगा और बाकी ऑब्जेक्ट तो बहुत सरल है। आइए देखते हैं कुछ इसके सेंटेंसेस, बड़े आराम से समझ में आएंगे। राम मार्केट जा चुका होगा, तो देखिए राम अकेला है तो विल हैव आएगा। क्या आएगा, राम विल हैव गो वेंट गॉन, गो वेंट gone to market, Ram will have gone to market। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं इस समय तक खेल चुका होऊंगा, I will had इस समय तक के लिए आपको लगाना है by now। क्या लगाना है, by now। आपको अपनी कॉपी में लिख लीजिए जहां पर आप वोकैबुलरी लिखते हैं, वोकैबुलरी की एक सेपरेट कॉपी बनाइए। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, अगर आप अलग अलग कॉपियों में वोकैब लिखेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए एक सेपरेट कॉपी में वोकैब लिखिए जहां पर आप बड़े आराम से उसका रिविजन कर सकें। ओके, तो इस समय तक के लिए बाई नाउ, है ना, बल्कि पूरा सेंटेंस आप लिखिए, आई विल हैव प्लेड बाई नाउ, मैं इस समय तक खेल चुका होऊंगा। मैं एक्चुअली बताऊं ये कहाँ लगता है ये सेंटेंस, जहां पर आप कल्पना करते हैं वहां पर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे राम मार्केट जा चुका होगा, है ना, मैं इस समय तक खेल चुका होऊंगा, आई विल हैव प्लेड बाय नाउ। भारत मैच अगला वर्ल्ड कप जीत चुका होगा, हम लोग दिल्ली पहुंच चुके होंगे। तो ये कल्पना के लिए, जहां पर आप इमेजिनेशन करते हैं दोस्तों वहां पर ज्यादातर ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल हुआ करता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, लोग स्टेज पर नाच चुके होंगे, द पीपल विल हैव डांस्ड ऑन द स्टेज, वह प्रतियोगिता जीत चुकी होगी, शी विल हैव won, है ना, she will have won the competition, won the competition, वह उससे मिल चुका होगा, he will have met him,
ही विल हैव मेट हिम, मिल चुका होगा, कोई मेट पे जाएगा, ही विल हैव मेट हिम, मुझे यह नौकरी मिल चुकी होगी, I shall have भी चल जाएगा, है ना। और अगर इरादा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आई विल हैव भी लगा सकते हैं। ओके, आई विल हैव गॉट दिस जॉब। माता जी ऑफिस से आ गई होंगी, मदर विल हैव, भाई विल बी थोड़ा ना, विल बी अगर आप लगाएंगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, आ रही होंगी, है ना, तो आ चुकी होंगी है, आ गई होंगी है, तो मदर विल हैव कम फ्रॉम ऑफिस, कम फ्रॉम ऑफिस, याद रखिएगा ये थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कम किम कम वाला है, इसे फर्स्ट मत समझिएगा। तुमने उसे इस बारे में बताया होगा, यू विल हैव टोल्ड हिम अबाउट दिस। ओके, यू विल हैव टोल्ड हिम अबाउट इट। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव के क्या रूल्स हैं देख लीजिए एक बार। नेगेटिव के रूल्स हैं, सब्जेक्ट है, फिर विल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, तो विल नॉट हैव क्या आ जाएगा, हाँ, और अगर इंट्रोगेटिव में होगा तो विल आगे चला जाएगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, फिर शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम मार्केट नहीं गया होगा, राम विल नॉट हैव, तो लगाइए भाई, राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट, उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा, सीन यू यस्टरडे, अरे भाई हाँ यस्टरडे, ही विल नॉट हैव सीन यू यस्टरडे, है ना, हाँ ये पहले वाला स्टडी। लोग कल्पना से नहीं मिले होंगे, पीपल मेट कल्पना, भाई टू नहीं लगेगा, मेट कल्पना, ओके, यस यस, वह वहां नहीं गई होगी, शी विल नॉट हैव गॉन देयर, बिल्कुल सही, शी विल नॉट हैव गॉन देयर। चलिए अगला देखते हैं, इंट्रोगेटिव देखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली में, तो डब्ल्यू एच फैमिली में इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, मतलब कुल मिला के क्या हो गया, डब्ल्यू एच फैमिली के बाद विल आ गया, और फिर बाकी पूरा का पूरा वही रखना आपको। राम मार्केट क्यों गया होगा, तो वाई से स्टार्ट होगा, वाई विल द, मैंने बताया था राम के आगे द नहीं लगता, वाई विल राम हैव गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट, ओके, टू दिल्ली, टू मार्केट, यस, क्या उसने तुम्हें कल देखा होगा, will क्या he, अरे भाई भाई भाई, विल ही हैव सीन यू यस्टरडे, ठीक है ना, ठीक है ना। लोग कल्पना से कब मिले होंगे, when will the people have मिलना यानी मेट कल्पना, वह वहां कैसे गई होगी, how will she have gone there, क्या तुम उसे इस बारे में बता चुके होगे, will you have told him about this, क्या वह गांव से आ गया होगा, अरे भाई वापस नहीं बोला है ना, गांव से आ गया होगा, तो ओनली कम फ्रॉम विलेज, विल ही हैव कम फ्रॉम विलेज, तो वहां कहां चला गया होगा, वह कहां चला गया होगा, where will he have gone, yes, तुमने बीए किस कॉलेज से, तुम बीए किस कॉलेज से पूरा कर चुके होगे, बिल्कुल सही, वेरी गुड, फ्रॉम विच कॉलेज यू विल हैव कम्प्लीटेड बीए। अब मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ, बीए एक डिग्री है, और क्योंकि कॉन्सोनेंट से शुरू होती है तो इसके आगे आता है आ, क्या आएगा, आ, अब बीए क्या आएगा, अबीए, आ एमबीए, ठीक ना, और डॉक्टरेट, आ पीएचडी, तो डिग्रीज के आगे क्या लगता है, अगर आपके सामने कॉन्सोनेंट है, साउंड कॉन्सोनेंट का, तो क्या लगेगा, आ, क्या लगेगा, आ, सो फ्रॉम विच कॉलेज विल यू हैव कंप्लीटेड अबीए। अब बात करते हैं दोस्तों अगला नेगेटिव इंट्रोगेटिव की, तो चलिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, और फिर इसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या आता है, नॉट आता है, फिर लास्ट में हैव। देखो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, याद रखना पड़ता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, फिर उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद हैव,
तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर, ये तो भूलता नहीं है डब्ल्यू एच फैमिली, फिर विल भी नहीं भूलता है, बट यहाँ से गड़बड़ होने लगती है। लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद सीधे हैव भूल जाते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद हैव, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके सेंटेंसेस देखते हैं। क्या राम घूमने नहीं गया होगा, विल नॉट हैव आएगा भाई, नॉट के बाद हैव, सब्जेक्ट के बाद सीने नॉट लगता है। वेरी गुड, विल नॉट, विल राम नॉट हैव गॉन फॉर अ वॉक, बिल्कुल सही, फुल मार्क्स। क्या उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा, वेरी गुड, विल यू, विल ही नॉट हैव सीन यू यस्टरडे। लोग हैं, लागे नहीं है, लोग कल्पना से क्यों नहीं मिले होंगे, मेट कल्पना, वाई विल द पीपल नॉट हैव मेट कल्पना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है इसमें, ओके, वाई विल पीपल नॉट हैव मेट कल्पना। क्या वह प्रतियोगिता में नहीं नाची होगी, विल शी नॉट हैव, आप नॉट भूल गए इस बार, विल शी नॉट हैव डांस्ड इन द कॉम्पिटिशन। चलिए तो ये हो गया हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके दोस्तों, अब आते हैं आगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, ठीक है ना। तो अभी आपको हमने बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता था, चुका होगा, चुका होगा, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, कोई काम हो रहा था तो इसमें आ जाएगा रहा होगा, चुका रहा होगा, चुकी रही होगी, ओके क्लियर हो गया ना। और साथ में समय भी आ जाता है, क्या आता साथ में, समय, समय आ जाता है, ओके लगता है। हाँ इसमें सिंस फॉर रहेगा, बाकी रूल वही है, ठीक है ना। और इसमें याद है आपको, क्योंकि समय चल रहा है तो क्या लगेगा, बीन आएगा, क्या आएगा, बीन, ओके, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो देखिए पढ़ते हैं इसको, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होता है, वैसे बिल्कुल जैसे कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा था। फर्क इतना है कि यहां पर समय के बारे में भी बताया जाता है, ठीक है जी, क्लियर होगा, मतलब यहां पर समय के बारे में बताया जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, जैसे आप कल्पना कर रहे हो, मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूंगा, देखिए तो ये क्या है, देखिए कंटिन्यूअस है क्योंकि रहा आ गया है, ओके फ्यूचर है, ये बात तो पता है, फ्यूचर है, ये बात पता है, समझ गए ना मैं, और ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सुबह से हॉकी खेल रहा होऊंगा, होऊंगा, हाँ क्या बात है, आपने बहुत बढ़िया जवाब दे दिया, आई विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। आइए देखते हैं इसकी कोडिंग करते हैं, कोडिंग क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस की कोडिंग है, सब्जेक्ट करना है, फिर उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ओके, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या, आईएनजी, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं प्यार से, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर सिंस या फॉर स्वादानुसार जैसी जरूरत पड़े, पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ड्यूरेशन। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, बिल्कुल सही, राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा, सिंस 4 o'clock, ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, वेरी गुड, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैं सुबह से उससे फोन पर बात कर रहा होऊंगा, I will have been talking on the phone since morning. To him नहीं बोला गया यहाँ पे, I will have been talking on the phone since morning. राधा सुबह से खेत में काम कर रही होगी, राधा will have been working in the field since morning, या in the farms since morning, in the farm, sorry. वह 5 साल से इस कॉलोनी में रह रहा होगा, he will have been living in this colony for 5 years. ओके 5 साल अनिश्चित समय है ना, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है ना, 2 घंटे से 5 साल से फॉर 5 ईयर्स। चलिए नेगेटिव की बात करते हैं, तो विल नॉट हैव बीन, विल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, है ना, विल के बाद क्या आ जाएगा,
नॉट आ जाएगा। यस, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल, फिर नॉट, हैव बीन, फिर है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइंसेंस और फार। चलिए, राम दो घंटे से खेल नहीं खेल रहा होगा, राम दो घंटे से नहीं खेल रहा होगा, गलत गलत हो गया, राम विल नॉट हैव, विल के बाद नॉट आया है, ओके राम के बाद विल के बाद क्या है नॉट, राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स, राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स, वह चार बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, सिंस फोर ओ क्लॉक, बिल्कुल सही, वेरी गुड, ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस फोर ओ क्लॉक। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, याद रखना हैव बीन लास्ट में है, वी हैव बीन क्या है लास्ट में, एक बार फिर से डब्ल्यू एच फैमिली तो जानते हो, फिर क्या आता है विल आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हैव बीन आएगा, और अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो विल नॉट, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव बीन, है ना। चलिए ठीक है ना, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हैव और बीन के बीच में नॉट कहाँ आएगा, क्या दोनों के बीच में आएगा, नहीं, नॉट हैव बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी फिर सिंस फॉर जो भी टाइमिंग का है वो लग जाएगा। चलिए देखते हैं, क्या राम दो घंटे से खेल रहा होगा, विल हैव बीन, विल राम हैव बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स, बिल्कुल सही, क्या वह चार बजे से पढ़ रहा होगा, विल ही हैव बीन, बिल्कुल सही, विल ही हैव बीन स्टडिंग सिंस फोर ओ क्लॉक, क्या वह लिखता आ रहा होगा, यस बिल्कुल सही, विल ही हैव बीन राइटिंग, लिखता आ रहा होगा, यस तो लिखता आ रहा होगा तो राइट, समय तो दिया नहीं है ना, तो विल ही हैव बीन राइटिंग, क्योंकि काम चलता आ रहा है इसलिए बीन लग गया है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि लिखता आ रहा होगा मतलब फ्यूचर में ये लिखता ही चल रहा होगा, मतलब काम हो रहा है, हाँ मतलब बीन फ्यूचर में भी काम हो रहा होगा तो क्या लगेगा, बीन लगेगा। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव, देखिए मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद सीधे नॉट आता है, क्या आता है सब्जेक्ट के बाद नॉट, डब्ल्यू एच फैमिली फिर विल फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर हैव बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और उसके बाद सिंस और फॉर जो भी लगे स्वादानुसार। चलिए एग्जांपल, क्या राम दो घंटे से खेल नहीं रहा होगा, विल राम नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स, विल राम नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स, क्या वह चार बजे से पढ़ नहीं रहा होगा, Will he not have been studying since 4 o'clock? वह दो दिन से दिल्ली क्यों नहीं जा रहा होगा? Why will he not have been going to Delhi for two days? वेरी गुड, वाई विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर टू डेज, बिल्कुल सही है, तो ये आपने बता दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पूरे टेंसेस हो चुके हैं। अब ये देखिए, ये एक कॉमन हमारा जो है एक तरीका है पहचानने का, ठीक है ना, ये देखिए कॉमन पहचानने का तरीका है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पास्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। प्रेजेंट डेफिनेट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, ती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। फिर इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, दी है, यस और नो। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहे हैं, रहे, रहे हैं, रहा है और समय के साथ, चुका रहा है, चुकी रहे हैं, ये भी। पास्ट इंडेफिनिट सीधे सीधे गया था, लिया था, दिया था, सोया, खाया, गया, भारत जीता, भारत हारा, भारत इंडिया लॉस्ट, हाँ इंडिया लॉस्ट, तो मतलब आप समझ गए ना ये क्या पास्ट है, है ना, यस yes। देखिए दो चीजें हैं, अब भारत हारा, भारत हारा और भारत हार गया है, हार गया है, देखिए यहां पे है आ गया है, इसके वजह से ये बन गया है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या बन गया है, हाँ यहां पे इंडिया है, बट ये पास्ट है, ये क्या है पास्ट है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है बच्चों और आपको समझना होता है, मतलब पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ा ही डिफरेंस होता है। जैसे आपने खाना खा के जस्ट उठे हो, युवराज खाना खा लिया है, ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट है, युवराज खाना खा लिया था या युवराज खाना खाया, ये क्या है पास्ट है, समझ में आया ना, तो मतलब हाँ था लग गया या नहीं भी लगा है तो पास्ट में आएगा,
थोड़ा सा आपको पहचानना पड़ता है कि प्रेजेंट पर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट में हल्का सा डिफरेंस होता है बस, ठीक है ना। जैसे देखिए अभी मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट में गया, लिया, दिया, सोया, जीता, हारा, दी, ली, तो ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। फिर पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें सब में पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट परफेक्ट आपको पता है चुके थे, चुकी थी, ली थी, दी थी, दिया था, ली थी, की थी, और इसके बाद आपका जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है रहा था, रहे थे, क्या समय के साथ, समय के साथ, ठीक है ना। फिर फ्यूचर हमने पढ़ लिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास सबसे पहले ये आ गया गा, गी, गे, सिंपल है ना गा। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ये इनकी कोडिंग लिखी हुई है, ध्यान से देख लीजिए, अफर्मेटिव की कोडिंग है और इंट्रोगेटिव की कोडिंग है, आई थिंक आपको आती कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा है, ये देखिए सब्जेक्ट विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी आता है, और फिर क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। जो आज हमने पढ़ा चुका होगी, चुके होंगे, लिए होंगे, दिए होंगे, दी होगी, ली होगी, की होगी, सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद अभी अभी हमने पढ़ा क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, समय के साथ, ओके। सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर लगा करके जो भी है, और ये इसका इंट्रोगेटिव है, आपने सीख लिया है। तो बच्चों ये जो है ना, ये क्या है मालूम, एक कंप्लीट है। तो ये पूरा टेस्ट हमने, पूरा टेंस हमने कर लिया, बोलो कर लिया कि नहीं कर लिया। तो अब टेंस इसके अलावा, मतलब आप जो हैं, आप आज क्लास टेंथ तक फ्री हो गए, आपका टेंस जो है क्लास टेंथ तक चलेगा, कब तक चलेगा क्लास टेंथ तक, और अब क्लास टेंथ तक के टेंस आपको बनने लग गए। अब आपसे क्लास टेंथ तक का कोई भी स्टूडेंट टेंस पूछेगा, कोई भी टीचर टेंस पूछेगा, तो आप बड़े आराम से बता देंगे। क्लियर हो गया ना, हाँ। अब देखिए नॉट हमेशा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट यूज होता है, मैंने बताया था नॉट को क्या यूज करना, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। तो ये रहा आज की हमारी क्लास, कंप्लीट होती है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने आपको करा दिया है फ्यूचर टेंस, और आपको फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस करा दिया है। अगले लेक्चर में हम करेंगे, आपको टेस्ट लेकर के आएंगे फ्यूचर टेंस का, पूरा हमको टेस्ट कराना है, तो फ्यूचर टेंस का टेस्ट करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद युवराज बैच, नमस्कार।